सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, अभी हमारी एक टीम NCR दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हो रही है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, आपको हर्ष की बात बताना चाहता हूं। गुजरात की पावन धरती पर जो कभी बौद्ध धरती हुआ करती थी, पोरबंदर सौराष्ट्र में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन दीक्षा समारोह रखा गया है, जिसमें 50,000 लोग घर वापसी कर रहे हैं। 5 बौद्ध भिक्षु हमारे ट्रेन से पहुंच रहे हैं, कुछ लोग हमारी टीम के हवाई जहाज से गुजरात पहुंच रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस टीम का सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये टीमें भारत के सभी राज्यों में जा जा करके बड़े बड़े आयोजन करके 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का काम कर रही हैं। ये सभी बौद्ध भिक्षु आज इनको रवाना हम लोग कर रहे हैं दिल्ली कार्यालय से, नोएडा कार्यालय से, और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके पास समय है आप भी समय निकालकर संपर्क करके हमारे साथ आएं, गुजरात चलें और हम लोग गुजरात को बौद्धमय बनाते हैं। जो लोग सत्ता परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दें और मिलकर के इस बाबा साहब के कारवा को, बुद्ध के कारवा को, ज्योतिबा राव फुले के कारवा को आगे बढ़ाएं, हम लोगों का सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और हम पूरे भारत में इसी तरह से लोगों को बौद्ध बना सकें और बड़े बड़े आयोजन कर अपनी संस्कृति से जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।